नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी गुरुदेव की कृपा से स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कर्ज से मुक्ति कैसे पाएं। कर्ज के लिए मुख्य रूप से मंगल ग्रह को जिम्मेदार माना जाता है। छठे भाव का स्वामी और छठा भाव भी कर्ज के लिए जिम्मेदार होता है। छठे भाव का स्वामी अच्छी अवस्था में न होने पर और मंगल ग्रह पीड़ित होने पर कर्ज की समस्या बन जाती है। यदि कुंडली में मंगल ग्रह अनिष्ट भाव से बैठा है तो आपको जीने नहीं देगा। गृहस्थ जीवन सुचारू रूप से नहीं चलेगा। आपको अत्यधिक क्रोध आएगा और कई बार क्रोध ही विनाश का कारण बन जाता है। पति पत्नी के बीच अनबन बनी रहेगी और कई बार तो स्थिति तलाक तक पहुंच जाती है। अब जानते हैं मंगल ग्रह की क्या खासियत है। नंबर एक, मंगल को नवग्रहों में सेनापति का दर्जा दिया गया है। नंबर दो, मंगल शक्ति, ऊर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम का स्वामी है। इसका मुख्य तत्व अग्नि तत्व है और इसका मुख्य रंग लाल है। तावा इसकी धातु है और जौ, लाल, मसूर आदि इसकी दान के अनाज हैं। मेष व वृश्चिक इसकी राशियां हैं। दोस्तों, मंगल के अशुभ होने पर क्या दुष्परिणाम होते हैं, चलिए वो जानते हैं। व्यक्ति क्रूर व हिंसक स्वभाव का हो जाता है। कई बार ऐसे व्यक्ति को अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहता और वह गुस्से में अर्थ का अनर्थ कर बैठता है। कई बार कर्जे से परेशान होकर आत्महत्या करने जैसी नौबत भी आ जाती है। आत्मविश्वास और साहस का स्तर कमजोर होता है। लोगों से अपने आप को बचाता फिरता है। व्यक्ति को संपत्ति और जमीन के मामले में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार कर्ज निपटाने की स्थिति में पूरी संपत्ति बिक जाती है और कंगाल होने की स्थिति आ जाती है। व्यक्ति को रक्त संबंधी समस्याएं घेर लेती है। अक्सर कर्ज और मुकदमेबाजी लगी रहती है और कभी कभी जेल यात्रा भी हो जाती है। और मंगल शुभ हो तो परिणाम क्या होते हैं, चलिए वो जानते हैं। व्यक्ति साहसी व उदार होता है। उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है। व्यक्ति को साहस व तकनीकी क्षेत्रों में खूब सफलता मिलती है। व्यक्ति धनवान होता है। उसके पास काफी जमीन जायदाद होती है। व्यक्ति का पारिवारिक संबंध अच्छा होता है। कर्ज की समस्या बढ़ने की चार गलत आदतें। नंबर वन, छोटे भाई बहनों से आपसी संबंध बेहतर नहीं रखते हैं। नंबर टू, अपने मित्रों को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। नंबर थ्री, हर काम में आलस्य आता है। नंबर फोर, मंगलवार के दिन भी कर्ज लेने से परहेज न करना। दोस्तों, कर्ज मुक्त रहने के लिए मंगल देवता का प्रसन्न रहना बहुत आवश्यक होता है। तो चलिए जानते हैं मंगल देवता को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय है। नंबर एक, मंगलवार का उपवास रखें और इस दिन नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें। नंबर दो, रोज प्रातः और सायंकाल हनुमान चालीसा का पाठ करें। नंबर तीन, अगर मंगल दोष समस्या दे रहा है तो लाल मीठी चीजों का दान मंगलवार को करें। नंबर चार, मंगल के मंत्र का जाप मध्य दोपहर करने से मंगल का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। मंगल का मंत्र, ओम क्राम क्रीम क्रोम सौह भौमाय नमः, धरणी गर्भ संभुतम विद्युत क्रांति समप्रभम, कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगल प्रणमाम्यम। तो दोस्तों, ये थे कर्ज मुक्ति के लिए कुछ उपाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव।